भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्धप्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। ठीक है, फिर लगवा लेना, मैं यहाँ रोज आता हूँ तेल डालने, देखते हैं। चलो, संस्कृत की पढ़ाई खत्म करके बाबा के पास जाऊंगा और इस मसले पर उनसे बात करूंगा। राम जी, चलो घर चलते हैं। हाँ चलते। राम जी, कोई शिष्टाचार है कि नहीं? मैनेजर सामने खड़ा है, कुछ कर जाओ। मैनेजर साहब, मैं जा रहा हूं। नहीं, तुम आज ओवर टाइम करोगे, बाकी तुम सब जाओ। सुना नहीं तुम लोगों ने? जाओ अपने अपने घर। देखिए मैनेजर साहब, काम में व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। भाषण नहीं राम जी, तुम्हारी औकात यहाँ पर वर्कर की है और मेरी हैसियत मैनेजर की। जितना कहा जाए उतना करो, जाओ। देख लीजिए, आज का पूरा काम हो गया है। अब काम ही नहीं है तो ओवर टाइम क्या करें? बुरा लग रहा है ना? हाँ बोलो। और बुरा लगता रहेगा। एक उपाय है, जाकर अपने बेटे भीमराव से कहो कि मेरे सामने आकर नाक रगड़े, माफी मांगे, तब शायद माफ कर दूं। फिर जैसे जीते थे पहले वैसे जीते रहना। मैनेजर साहब, मैं एक बाप हूं और एक बाप के जीते जी बेटा झुक जाए तो लानत है। मेरी जात छोटी सही, लेकिन एक बाप का दिल और हौसला बहुत बड़ा है। और मैं तो अपनी जात भी छोटी नहीं मानता। हिम? और रही बात नाक रगड़ने की, तो वो भूल जाइए, क्योंकि अब आपकी ऊंची नाक के सामने हम अपनी छोटी नाक के इज्जत के लिए लड़ते रहेंगे। नाक रगड़ने से ज्यादा नाक के इज्जत के लिए लड़ना हमें आसान लगता है, और मैं इनका बेटा हूं, इनके जीवन का जितना वजन उठा सकता हूं वो उठाना मेरा काम है। लीजिए, और अब बताइए कि बाबा को कैसे कैसे परेशान करने की योजना की है, बताइए, मैं आपके सामने खड़ा हूं। भीमराव, भीमराव, ये कारखाना है, कॉलेज नहीं,
जहां पर तुम प्रिंसिपल और दो चार गुरुजी को अपने साथ लाकर खड़ा कर लोगे। वही तो जोशी जी, ये कारखाना है, कॉलेज नहीं है। यहाँ पे सब मजदूर होते हैं जो आपके जितने बड़ी जात के नहीं हैं। और यहाँ पे अगर पुलिस भी आती है तो उन्हें ये नहीं कहा जा सकता कि आप जाइए, हम अपने स्तर पे सब निपटा लेंगे। यहाँ इतने गवाह मिलेंगे आपके खिलाफ कि आप गुनहगार साबित हो जाएंगे और फिर नाक हमें नहीं आपको रगड़नी पड़ेगी। चलिए बाबा। एक बात तो है राम जी, भीम एकदम सटीक जवाब देता है। बिना जवाब दिए भी काम हो सकता था, मैंने तुम्हें समझाया था ना, हर बात के लिए उलझना जरूरी नहीं। बराबर है बाबा, लेकिन बात जब आप पे आती है तो मैं उलझूंगा भी और जरूरत पड़ेगी तो लड़ूंगा भी। नहीं, आगे से तू मेरी काम की जगह नहीं आएगा। लेकिन क्यों बाबा? क्योंकि मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए कॉलेज नहीं आता हूं। बाबा, लेकिन मेरे बचपन में मेरी हर लड़ाई में आप मेरे साथ हुआ करते थे, और आज जब आपकी उम्र हुई है। क्या उम्र? बूढ़ा नहीं हो गया हूं मैं, अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता हूं। पुरंजन भी मेरे साथ है, बस आगे से तू मेरे कारखाने में नहीं आएगा। भीम, देखो बेटा, अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें खुद बुला लूंगा, लेकिन बेवजह हमारे चक्कर में तुम अपने लक्ष्य से मत भटकना। हमारी वजह से तुझे और ना झेलना पड़े, बस इतना चाहता हूं। लेकिन भीम बेटा, तुम अचानक से कारखाने आए क्यों? काका, मेरे साथ एक घटना घटी, उसके बारे में बाबा को बताना था। कौन सी घटना घटी? हमारे ही मोहल्ले में आकर हमसे ही ढीठपन दिखा रहा है। यहां से जाएगा कि नहीं तू? सर, जिस मोहल्ले में सरकारी लाइट नहीं लगी है वहां कैसे लगवाई जा सकती है? अर्जी लिखकर दे दो, दो तीन दिन में लग जाएगी लाइट। हम जैसे छोटी जात वाले लोगों के लिए क्या अंधेरा और क्या उजाला। और इसलिए इस मामले पर आपसे बात करना चाहता था ताकि इस पे कुछ समाधान निकल सके, बाकी कुछ नहीं। देखो बेटा, जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं आगे से कभी भी तुम्हारी पढ़ाई के लिए मिट्टी के तिल की कमी नहीं होगी, चाल मिलाल टिल लगे या ना लगे, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। बाबा, मुझे पता है सिर्फ मिट्टी का तेल ही नहीं, मेरी पढ़ाई में जो भी कुछ कमी आएगी आप सबको दूर कर देंगे, लेकिन लाइट लगवाना ये सिर्फ पढ़ाई का मकसद नहीं है बाबा, ये हमारा हक है जो हमें सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा कि हम छोटी जात के हैं। यही तो हमारी लड़ाई है, हम उन सब लोगों के बराबर अधिकार रखते हैं। सरकारी लाइट लगवाना तो जरूरी है बाबा, बच्चो तुम लोग क्या कर रहे हो इधर? जाओ जाओ, बाहर जाके खेलो, जाओ।
अच्छी होगी। कहीं वो लेकर तो नहीं गए होंगे चिट्ठी। अरे लेकिन क्यों वो इतनी चिट्ठी छुपा क्यों रहे हैं मुझसे कि मैं उस चिट्ठी को बाबा या आनंद भैया कि किसी और से पढ़ा ना लू। ऐसा क्या लिखा है इस गोमती ने उस चिट्ठी में? गोमती, क्या गोमती? वो नदी, गोमती नदी। फुलिया काकी कह रही थी कि उनके गांव में गोमती है जो बाढ़ लाती है। बस वही सोच रही थी कि वो बाढ़ लाती होगी तो कितना कुछ बर्बाद करती होगी ना। हाँ ये बात तो सही है, लेकिन बर्बादी का हिसाब तू कब से करने लगी? बुआ वो गोमती एकदम बेकार है। रमा जा जाकर आई की रसोई में मदद कर दे, वो अकेली है। वो क्यों करेगी? दिन भर दुकान में काम करके थक जाती है बेचारी, और घर में भी मदद करेगी। आज तू मेरी मदद कर दे, चल। आई मैं तो रोज करती हूँ ना, वो आज बाजार से कुछ सामान लाना था इसलिए इसे बोला। तो बाजार का काम रमा कर लेगी, है ना रमा? थक गई है, थोड़ा दिल भी बहल जाएगा उसका बाहर जाएगी तो। रमा तुम लेकर आओ, चलो तुम मदद करो मेरी। साबुन, बाल में लगाने वाला तेल और मेरी रात की दवाई सब लेके आना। कुछ भूल मत जाना। लक्ष्मी, समझ में आया कुछ? क्या समझना है? यही के जीजाबाई किसी की नहीं है। कल तक उसे रमा पसंद नहीं थी, आज वो कमाने लगी तो वो पसंद हो गई। जीजाबाई अपने फायदे के लिए तुझे भी बुरा बना सकती है। सालों से जानती हूँ मैं उससे, वो पूरी जिंदगी कभी अच्छी नहीं बन पाई, बस सबको बुरा बनाने में ही लगी रही। और ये चीज तू उससे कभी मत सीखना। पर मुझे ये बात समझ में नहीं आती, आपको ऐसे इतनी दिक्कत क्यों है? मुझे दिक्कत किसी से नहीं है, और दिक्कत क्यों होगी? मैं तो बस ये चाहती हूं कि इस घर में दूसरी जीजाबाई पैदा ना हो। चांदनी लाल ठिल लगे या ना लगे, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। अच्छा वो आपने चिट्ठी का जवाब भेज दिया क्या? हाँ भेज दिया जवाब, लेकिन उस चिट्ठी को लेकर तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मुझे क्यों फिक्र होगी बोला, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा वो गोमती आपको कहाँ मिली थी? आ जाओ यहाँ पे, मैं तेल लगाता हूँ।
बताइए ना, कहाँ मिले थे वो आंटी? अरे रमा, लिखा तो था उस चिट्ठी में कि 10वीं में हम दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले थे और एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। सुंदर थी क्या वो? उस चिट्ठी में लिखा तो था कि मैं उसकी नाक को टमाटर कह के बुलाया करता था। क्या मानते थे आप दोनों एक दूसरे को? वो भी तो उस चिट्ठी में लिखा तो था रमा। क्या क्या लिखा था? लिखा था कह रहे हैं, पढ़ना आता है क्या मुझे? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। अच्छा छोड़ो, कोई बात नहीं, जो पूछना है वो पूछ लो, मैं बता दूंगा। और ये भी नहीं कहूंगा कि सब कुछ उस चिट्ठी में लिखा हुआ है। कुछ नहीं जानना मुझे। अरे सुनो रमा, पूछो तो सही। मुझे माफ कर दो रमा, तुम्हारे ये आंसू मेरे कारण है। लेकिन रमा, तुम्हें समझना होगा, पढ़ने लिखने से सिर्फ व्यक्तित्व ही नहीं निखरता है, बल्कि रिश्तों के बीच गलत फहमियां भी कम आती है। रमा, मुझे तुम्हें उस मोड़ तक लेकर जाना ही होगा जहां तुम खुद समझ सको कि अगर उस चिट्ठी को तुम खुद पढ़ पाती तो यह सब कुछ होता ही नहीं। लेकिन रमा, जब तक उस मोड़ तक तुम पहुंच नहीं जाती, तब तक मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता। मुझे माफ कर दो रमा। पापा, बात सिर्फ मेरे पढ़ने की नहीं है। लेकिन मेरे लिए सिर्फ तुम्हारा पढ़ना जरूरी है। नहीं पापा, हमारी चाल में दीपक है, उसके जैसे कई और बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं। चाल में अगर लाइट लगती है तो सबका फायदा होने वाला है। और उससे भी बड़ी बात, चाल में लाइट लगना ये हमारा अधिकार है। हो गए, जाओ सो जाओ। नहीं बाबा, रुकिए आप, अब सुन तो लीजिए, मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए। पापा, आप मुझे बताइए इस मामले के लिए किस ऑफिसर से जाके मिलना होगा, कौन मेरी बात सुन लेगा? अब एक बार ये सब मुझे बता दीजिए, फिर मैं सोचूंगा कि चाल में लाइट कैसे लगवानी है, और मैं ये भी देखूंगा कि ऊंची जाति के लोग लाइट लगवाने से हमें कैसे रोकते हैं। वाह भीम वाह, फिर एक नया नौटंकी शुरू किए हो क्यों? अरे भाऊ, पुलिया, चोकू, अरे आओ आओ आओ, नया नाटक शुरू हुआ है, आओ आओ आओ। आने वाले तूफान के बारे में थोड़ा बता दूं कि भीमराव यहाँ मोहल्ले में दिया लगवाने का आंदोलन करने वाले हैं। मतलब अब ऊंची जात के लोग फिर से हमसे नाराज हो जाएंगे, और पहले से ही नरोत्तम जोशी हमसे नाराज हैं। अब अगर वो फिर से नाराज हो गए तो यहाँ सीधा लात मार के निकाल देंगे। कौनो जरूरत ना है यहाँ दिया हुआ लगाने की। अरे भैया, जो जैसे चल रहा है चले दो, हमके ना फालतू का झमेला ना चाहिए। देख लिया बेटा, या किसी को लाइट नहीं चाहिए तो फिर तुम क्यों बेवजह सोच रहे हो? और तुम जिस दीपक और उसके जैसे पढ़ने वाले बच्चों की बात कर रहे थे, उनमें से एक भी बच्चा आया नहीं, क्योंकि उनके माँ बाप ने उन्हें आने ही नहीं दिया। देखो बेटा, एक और नया बकेड़ा मत शुरू कर देना।
और ये भी सही है कि तुम्हारे अकेले के लिए ये लाइट के चक्कर में पूरी चाल क्यों उलझे, क्यों परेशान हो जाए।